हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। चलिए थोड़ी सी हट के बातें करते हैं। संडे है, कुछ अनोखा कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। अब आपको कुछ अलग नजर आता होगा। जी हाँ, मैंने ये मेरे बाल कटा लिए हैं, बारीक करा लिए। मैं अक्सर बारीक बाल कराता हूँ, तो आजकल तो बारीक बाल कराना एक फैशन सा हो गया है। और अलग बात है, मेरी मजबूरी रहती है, मुझ पर ऐसे बाल सूट होते हैं। और लोग कहते हैं भैया तो बहुत हैंडसम लगता है, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तो हैंडसम लगता है। एनीवेज, बचपन कैसा था सभी का और मेरा बचपन कैसा था थोड़ा सा बताता हूँ। ये हेयर कट के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। बच्चे, अगर आप स्कूल में देखो, ज्यादातर यही साफ साफ रहता है कि उन बच्चों को मिलिट्री के जवान जिस तरह से रहते हैं, वैसे ही हमेशा उन बच्चों के भी बाल कटाए रहते हैं। लड़की होंगे तो एक अलग तरह से दो पोनी टेल, लड़के होंगे तो सीधा साधा शर्ट पैंट, जो भी उनका यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रहता है, बाल बारीक बारीक। उस समय बाल कटने का कुछ टेंशन नहीं रहता, उस समय सिर्फ यही डर रहता था कि स्कूल में जाएंगे तो बाकी क्लासमेट्स क्या बोलेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, रिजवान क्या बोलेगा, विकास क्या बोलेगा, अरुण क्या बोलेगा, रितेश क्या बोलेगा, ये टेंशन ज्यादा रहता हमें। क्योंकि जैसे ही कोई बंदा, या मेरे स्कूल की बात कर लो, जब मेरे ही क्लास की बात कर लो, कभी बाल कटा के हम जाते थे, दो तीन चीजें होती थी। एक तो बाल कटा है, तूने बाल कटा है, तूने बाल कटा, छीक तक गंदा दिखता है तो, छीक कैसे दिखता है, अरे क्यों कटाया बाल, ये होता है, ठीक है। और यही नहीं, एक और चीज होता था, बाल जब आप एकदम कटाते थे या फिर गंजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलिए बाल कटाने की बात करते हैं, उसके बाद आसपास का बंदा आके कोई दोस्त बोलेगा, ये उधर देख क्या दिख रहा है, तो जैसे ही आप उधर देखोगे, हाँ क्या दिख रहा है बोल, पीछे से ऐसा सिर पे मार देगा। ये क्या है, आगबन टपली। जी हाँ, आगबन टपली, यानी कि आंखों को बंद करके सर पे मारना, ये दोस्तों का हो रहा था। या तो क्या होता था, ये तो ठीक है, कोई एक बंदा मार दिया, कभी कभी क्या होता था, सबको पता चल गया कि भाई इस बंदे ने बाल कटा, चलो आज इसको आगबन टपली देंगे, आगबन टपली। फिर सब 10-15 लोग सीधा इकट्ठा के आप पे धावा बोल देंगे, आपको दबा देंगे, आपके सर पे मारेंगे। और उसमें से कौन मारे किसको पता, क्योंकि जैसे आप मुड़ के घूम जाओगे तब तक सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, मैंने नहीं मारा। तो आगबन टपली होता था जब कोई बाल काटता था, खुद के कटाता था, और जब स्कूल में आ रहा था तो उसका अलग मजा होता था। वो मजा अब चला गया है, अब आप कैसे भी दिखते हो, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रोफेशनल दुनिया में। हाँ, जरूर आपके करेक्टर को शायद जज करते हैं आपके बाल से, जो भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं गंजा है तो इसके पास, गरीब है, गंजा है तो ये ऐसा है वैसा है, कैसा दिखता है क्या दिखता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर इंसान के सिर पे बाल नहीं तो उसके पास बहुत पैसे होते, बड़े बड़े लखपतियों के पास पैसे होते। भैया ये तो नेचुरल चीजें हैं, आजकल तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है कि आप अपने पुराने बाल जो भी बचे नहीं है जो भी, उसको वापस ला सकते हो। हर्षा भोगले का आप देख लो, अरविंद सहवाग का थोड़ा बहुत देख लो, हर कोई बाल ला सकता है। इवन बड़े बड़े जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके भी, आपको लगता है पूरे पूरे जो ये सब बाल है वो असली है ना, वो अलग बात है, दिखावे के लिए, दुनिया दिखावे की है, अलग बात है, करना पड़ता है, करे कोई गलत बात नहीं, जिसको जो पसंद आए करे। लेकिन हाँ, बचपन की जो आंखबन टपली थी, जो दोस्त लोग मारते थे, वो जरूर मैं मिस करता हूँ, और आप लोग भी आई थिंक मिस करते होंगे वो चीज। मुझे खुशी की बात ये है कि मेरे दोस्त जो स्कूल के हैं, काफ़ी कुछ अभी भी साथ है, और अच्छा लगता है दोस्तों का साथ रहना, क्योंकि उनके साथ जो हमने यादें बिताई है वो अकेले हम इंजॉय नहीं करते, वो सब साथ में अभी भी अगर है तो इंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप सोचोगे ये वीडियो को बताने का मकसद क्या था मेरा, मकसद कुछ नहीं था, बस यही था कि भैया हर चीज़ में बचपने में हम मज़ा ढूंढ लेते थे, ना जात पात का टेंशन ना कुछ। तू दोस्त है मेरा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे से कट्टी हूँ, तेरे से बुच्ची हूँ, कट्टी और बुच्ची, ये थी हमारी बचपन की जिंदगी, और उनसे उसमें ही मतलब हमें मज़ा आ जाता था। हमें नहीं पता था ईद का क्या मतलब है, हमें नहीं पता था दिवाली का मतलब क्या, हमें नहीं पता था किसका मतलब क्या है, हमें ये बस पता था कि हमें इंजॉय करना है, और किसी के घर से कोई टिफिन आया वो खाना है, और ऐसी ही लाइफ जीनी है। तो बचपनों को जरूर एक बचपना बना के छोड़ देना बड़ी बात नहीं है, उस बचपन को अभी भी जीने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, अभी भी कच्चा है जी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने बचपन को भूल ना गए हो, अभी भी जीते हो। अगर नहीं जी रहे, अपने दोस्तों को कहीं कहीं भूल चुके हैं, तो वापस से जोड़िए दोस्तों को, दोस्ती निभाइए, फिर से आइए स्कूल दोस्तों के साथ, देखिए कितना लाइफ में मजा आता है। और हाँ, आपकी कोई इंसिडेंट ऐसे आपके साथ हुआ होगा, जब बाल को लेकर आपके स्कूल में कोई दोस्त या किसी ने मारा हो, कुछ भी जरूर बताएगा कमेंट के नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये थी मेरी थोड़ी बहुत यादें स्कूल टाइम की, एटलीस्ट बाल काटने को लेकर। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय। और हाँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं?